पोकेमॉन मास्टर एम टू बी या पोकेमॉन मास्टर एपिसोड 6 जो है उसकी समरी और रिलीज डेट जो है वो अनाउंस्ड हो चुकी है। उसके अलावा ये जो एपिसोड है ये कुछ स्पेशल होने वाला है। यहाँ पर इस एपिसोड की जो समरी है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। उसके अलावा जो इस एपिसोड का टाइटल है वो भी माइंड ब्लोइंग है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन रिवील्ड हुई है उसके मुताबिक तो ये एपिसोड जो होगा बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा। तो अपनी आज की वीडियो में मैं आपको एक तो इस एपिसोड की समरी और टाइटल बता दूंगा, उसके अलावा हम बात यहाँ पर करेंगे लाटियस के बारे में कि लाटियस जो है उसका क्या रोल होने वाला है इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड में होगा कुछ यूं कि एश कैचम और जो उसके फ्रेंड्स हैं मिस्टी ब्रॉक जो है ये ट्रेवल कर रहे होंगे, तो अचानक टीम रॉकेट जो होगी वो इन पर हमला बोल देगी। और यहाँ पर टीम रॉकेट जो होगी वो एश और इसके फ्रेंड्स के साथ बैटल करेंगे पिकाचू को कैप्चर करने के मकसद से, लेकिन एश और जो बाकी होंगे वो उनको ब्लो ऑफ कर देंगे। लेकिन इसी दौरान पिकाचू जो होगा वो एश और मिस्टी ब्रॉक से अलग हो जाएगा और कहीं दूर जाके टीम रॉकेट के साथ ही गिर जाएगा। तो ये थी इस एपिसोड की समरी। उसके बाद यहाँ पर फिर होगा कुछ यूं कि एश और उसके जो फ्रेंड होंगे वो पिकाचू को रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में, और एट द एंड आपको पता है कि दोनों मिल ही जाएंगे। और ये जो एपिसोड है ये हमें 17 फरवरी 2023 को फ्राइडे वाले दिन देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि लाटियस जो है उसका क्या रोल यहाँ पर होने वाला है। तो ग्रिफिन कूल जो है उसकी तरफ से हमें एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है कि इस एपिसोड में लाटियस जो है वो एश और बाकी को रेस्क्यू करने वाला है। तो किस तरह रेस्क्यू करेगा इसके रिलेटेड अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनकम्प्लीट समरी जो हमें देखने को मिली है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। तो इस एपिसोड में होगा कुछ यूं कि जब एश और उसके फ्रेंड टीम रॉकेट के साथ बैटल कर रहे होंगे और पिकाचू जो होगा वो टीम रॉकेट के साथ ब्लो ऑफ हो जाएगा, तो एश और उसके जो फ्रेंड है वो थोड़ी मुसीबत में आएंगे। और जब टीम रॉकेट जो होगी वो ब्लो ऑफ होगी तो उसी दौरान जो लाटियस होगा वो एश और बाकी को बचाएगा यहाँ पर टीम रॉकेट से, और फिर लाटियस जो होगा वो एश की मदद करेगा पिकाचू को फाइंड करने में इस एपिसोड में। तो अभी यहाँ पर बात यह है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाटियस हर एपिसोड में एश के पीछे पीछे चल रहा है, यानी उसको फॉलो कर रहा है और हर एपिसोड में दिखाया जा रहा है। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि एश लाटियस को तो कैच करेगा, लेकिन कब करेगा यहाँ पर असल बात यह है। तो मुझे लगता है कि एपिसोड 6 जो होगा जब लाटियस अगेन एश के सामने आएगा और एश को वो सेव करेगा, उसके अलावा वो एश की हेल्प करेगा पिकाचू को भी फाइंड करने में, क्योंकि वो एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है और वो बायर बड़ी आसानी से पिकाचू को फाइंड कर लेगा। तो इस वजह से यहाँ पर फिर एश जो होगा वो लाटियस के साथ थोड़ा और उसका बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर पॉसिबल है एपिसोड के लास्ट पर, जब एपिसोड लास्ट पर और पिकाचू मिल जाए तब एश जब लाटियस को शुक्रिया कहे तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि लाटियस जो वो एश को कहे कि वो उसके साथ ट्रैवल करना चाहता है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसके रिलेटेड अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं है कि एश कैचम जो है वो एपिसोड 6 में लाटियस को कैच करने वाला है या फिर नहीं, लेकिन इतना तो आपको पता है कि एश लाटियस को कैच करेगा, लेकिन कब करेगा ये किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि लाटियस अभी तक एश के सामने नहीं आया, लेकिन एपिसोड 6 में वो एश के सामने आने वाला है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड में एश जो होगा वो लाटियस को कैच कर लेगा जब लाटियस एश की मदद करेगा पिकाचू को फाइंड करने में। तो इस वजह से यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है और देखने लायक होने वाला है। तो मुझे तो बड़ी बेसब्री के साथ इस एपिसोड का इंतजार है। तो यह एपिसोड 17 फरवरी को हमें देखने को मिलेगा फ्राइडे वाले दिन। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको क्या लगता है कि एश जो है वो लाटियस को इस एपिसोड में कैच करेगा या फिर नहीं? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो।